आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HJT सितारा के बारे में। HAL की तरफ से HJT सितारा को लेकर स्पिन ट्रायल्स शुरू कर दिए गए हैं। आज रिलीज हुए प्रेस स्टेटमेंट के हिसाब से इस ट्रेनर जेट की पहली फ्लाइट के दौरान एक स्पिन लेफ्ट साइड में और एक स्पिन राइट साइड में लिया गया था। इस एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे ग्रुप कैप्टन HV ठाकुर और उनके साथ में थे विंग कमांडर P अवस्थी। इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी। अपनी पहली फ्लाइट के दौरान इस एयरक्राफ्ट ने सिंगल स्पिन किए हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में, और इन स्पिन्स को धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाएगा, और जब तक 6 टर्न लेफ्ट और राइट साइड में नहीं कर लिए जाएंगे तब तक ये टेस्टिंग जारी रहेगी। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट आने वाले समय में भारतीय सेना के पुराने हो रहे किरण ट्रेनर्स को रिप्लेस करेगा। भारतीय वायुसेना और नौसेना किरण ट्रेनर्स को यूज करती है, और अगर बात की जाए इनके इनिशियल लॉट की तो इन ट्रेनर एयरक्राफ्ट की इनिशियल लॉट ऑलमोस्ट 50 साल पुरानी है। अगर इन एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की बात की जाए तो स्पिन ट्रायल कंप्लीट करने के बाद में ये एयरक्राफ्ट सीधे प्रोडक्शन में जा सकेंगे, क्योंकि इनकी फ्लाइट पैरामीटर टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। पहले की टेस्टिंग के हिसाब से इन एयरक्राफ्ट की स्पीड, एल्टीट्यूड और जी हैंडलिंग कैपेबिलिटी पहले ही असेस कर ली गई है। इन एयरक्राफ्ट में ड्रॉप टैंक भी इंटीग्रेट की गई है और इनके ड्रॉप टैंक्स का भी टेस्ट कर लिया गया है। हालांकि अभी ये ट्रेनर जेट्स रशिया के NPO सैटिन के इंजन AL-55i से पावर किए जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में जाएगा तो इनका इंजन बदल दिया जाएगा। देश में निर्मित HTFE-25 इन ट्रेनर जेट्स को पावर करेंगे। फिलहाल इस इंजन के लिए दो कोर बनाए गए हैं और इन दो कोर्स के ऊपर 339 टेस्ट रन कर लिए गए हैं। ये इंजन कम्प्लीशन के करीब है। इनफैक्ट इसके आफ्टर बर्निंग इंजन के ऊपर भी काम चल रहा है, और रिपोर्ट्स के हिसाब से इस आफ्टर बर्निंग सेगमेंट के भी कई टेस्ट कर लिए गए हैं। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। रिपोर्ट्स के हिसाब से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ऊपर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र जल्द ही इंटीग्रेट की जाएगी। इस मिसाइल को लेकर LCA तेजस के ऊपर ग्राउंड टेस्टिंग की जा रही है, और माना जा रहा है कि ये टेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और इस वजह से जल्द ही इसके एयर टू एयर ट्रायल्स देखने मिलेंगे। वैसे ये चीज ऑलमोस्ट सबको पता थी कि आने वाले समय में LCA तेजस के ऊपर अस्त्र मिसाइल इंटीग्रेट की जाएगी। अपनी टेस्टिंग के दौरान ये मिसाइल Su-30MKI के ऊपर टेस्ट की गई थी, और इसी वजह से पहला लॉट Su-30MKI को मिला है, और माना जा रहा है कि दूसरा लॉट MiG-29 को मिलेगा। ये MiG-29 भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के होंगे। इस बीच साइमल्टेनियसली तेजस के ऊपर भी ये मिसाइल टेस्ट की जाएगी। इस साल के अंत तक 83 LCA तेजस Mk-1A को लेकर डील साइन हो जानी थी, लेकिन अब शायद ये डील साल 2021 में साइन होगी, और वहां से 3 साल के बाद पहला LCA तेजस Mk-1A भारतीय वायुसेना को मिलेगा, और इस एयरक्राफ्ट के साथ में अस्त्रा BVR ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होगी। यानी कि तेजस Mk-1A के प्रोडक्शन से पहले ये मिसाइल LCA तेजस के साथ इंटीग्रेट हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट कम फैक्ट चेक ज्यादा है। अर्मीनिया और भारत के बीच में स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार्स को लेकर एक डील साइन की गई थी। $40 मिलियन की इस डील के तहत अर्मीनिया को 4 वेपन लोकेटिंग रेडार स्वाति मिलेंगे, लेकिन अजरबैजान और अर्मीनियन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इस रेडार की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कई लोगों ने इस रेडार की परफॉर्मेंस को उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान खराब बताया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस रेडार को लेकर डील मार्च में साइन हुई थी, और अभी तक अर्मीनिया को स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार डिलीवर नहीं हुए हैं। वैसे इस रेडार की टेक्नोलॉजी अमेजिंग है। अर्मीनिया को अभी तक ये रेडार मिला नहीं है, लेकिन ये अर्मीनियन कॉन्फ्लिक्ट में यूज कर लिया गया है। वैसे ISPR के बॉट्स के लिए मेरी तरफ से एक मैसेज है कि थोड़ी सी पढ़ाई कर लें, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अल्फा डिफेंस के वीडियोस देखा करें। हम लोगों को ट्विटर पर फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को स्टार मार्क कर लीजिए। इन सभी पेजेस के ऊपर नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, और जब आप ऐसे सिली प्रोपेगेंडा फैलाते हैं तो उसे फैक्ट चेक करने में ज्यादा मजा नहीं आता है। तो कम से कम प्रोपेगेंडा की क्वालिटी बढ़ाइए और देखते रहिए अल्फा डिफेंस। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।